नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो जितने भी MDSU यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी यहाँ पर UG के स्टूडेंट हो, PG के स्टूडेंट हो, UG के BA, BSc, BCom, BCA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, साथ में PG के MA, MSc, MCom, MCA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, साथ में BEd के स्टूडेंट, टू ईयर के स्टूडेंट, साथ में इंटीग्रेटेड यानी कि जो BA, BEd, BSc, BEd के स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपके जो एग्जाम फॉरम है वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, कल से एग्जाम फॉरम आप भर सकते हो। साथ ही में कुछ छात्रों के ये भी कमेंट आने वाले हैं, मुझे पता है जैसे ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसके बाद ये भी कमेंट आएंगे कि सर हमें जो एग्जाम फॉरम किस प्रकार से भर सकते हैं वो भी आप हमें क्लियर करिए। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कल ही आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप जो अपने एग्जाम फॉरम है वो भर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा नोटिस की ओर, और नोटिस की ओर ले जाने से पहले आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, किस प्रकार से आपकी जो एग्जाम फॉरम फीस रहेगी, कब से आपके एग्जाम फॉरम स्टार्ट हो रहे हैं, कब आपके ख़त्म होंगे, विलंब शुल्क के साथ क्या डेट रहने वाली है, साथ में आपके एग्जाम फॉरम की जो फीस है उसके डबल फीस के बराबर जो आपकी डेट रहेगी वो क्या कुछ रहने वाली है, और भी स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ रहेंगे, किस प्रकार से फॉरम आपको भरना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नोटिस को। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये नोटिस है जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी हुआ है। अब इस नोटिस में क्लियरली आप देख सकते हो इसमें काफ़ी चीज़ें आप सभी छात्रों के लिए दी गई है। फर्स्ट में तो आप देख सकते हो नोटिस 12 तारीख को जारी हो गया था, आज जैसे 13 तारीख हो चुकी है। इसमें क्लियरली देख सकते हो जितने भी यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट, साथ में जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनकी यहाँ पर वेबसाइट नेम दिया गया है, पर ऑनलाइन प्रक्रिया से निम्नलिखित तालिका के अनुसार भरे जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित समय सीमा में अपने परीक्षा आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें। आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी अपने घर पर रहते हुए उक्त वेबसाइट पर लॉग इन करके आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो आप फॉर्म भरोगे वो फॉर्म आप खुद से भी भर सकते हो, क्योंकि आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग की अगर सुविधा है तो आप खुद से भी अपना जो चालान वगैरह है वो काट सकते हो। अब उसी के बाद में जो नेक्स्ट अपडेट है वो आप स्क्रीन पर जैसे देख सकते हो वो है आपके फॉर्म को लेकर कि फॉर्म आपके कब से लेकर कब तक भरे जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर डेट के बारे में एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ आप सभी छात्रों को। तो फर्स्ट में जो आपकी डेट रहेगी, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है, अगर आप पास कोर्स के स्टूडेंट हो या आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तृतीय वर्ष के स्टूडेंट हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, गृह विज्ञान, बीएससी, आईटी, नेचुरोपैथी, बायोटेक, बीसीए, बी एडिशनल, तो आपके फॉर्म 14 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 14 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसी के बाद में 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपके विलंब शुल्क के साथ में फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें कि आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ में अगर आप 29 तारीख तक भी अपना फॉर्म भरने में समर्थ रहते हो तो आपको 30 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का एक दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें कि आप परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ में अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। ये जितने भी यहाँ पर यूजी के स्टूडेंट हो, साथ में जो पीजी के स्टूडेंट हो, पीजी प्रीवियस, पीजी फाइनल, सभी के लिए यहाँ पर ये जो डेट है वो सेम रहने वाली है, यानी 14 से 25, 26 से 29 और 30 से 31, ये सभी के लिए सेम रहेगी, चाहे फिर आप सर्टिफिकेट के ही स्टूडेंट क्यों ना हो। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद नीचे बात करते हैं। देखिए, आपको जो हार्ड कॉपी है वो दो प्रतियों में यानी दो फोटोकॉपी आपको निकलवा लेनी है, और निकलवाने के बाद में आपको महाविद्यालय या केंद्र विभाग में जमा कराने की जो अंतिम तिथि रहेगी, अगर आप बिल्कुल बढ़ते हो एक तरह से फॉर्म फीस के साथ में, तो आपको 27 तारीख तक का टाइम दिया जाएगा। अगर आप 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ बढ़ते हो तो आपको 30 तारीख तक का टाइम दिया जाएगा, और अगर आप अपने परीक्षा शुल्क के बराबर अगर फीस देते हो तो आपको 31 तारीख का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसी के बाद में आपको महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में यानी कि आपके कॉलेज के द्वारा आपको यूनिवर्सिटी में जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 2 तारीख रहेगी और 1 की 4 तारीख रहेगी। ठीक है, आपकी 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ में और बिना विलंब शुल्क के साथ में, तो 2 तारीख रहेगी डेट, और अगर आपकी परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क सही था आपकी डेट 4 तारीख रहेगी। अब ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, देखिए बाय चांस किसी स्टूडेंट का अगर पेमेंट अटक जाता है तो आपको कॉल नंबर मैं नीचे बताने वाला हूँ, अगर अटक भी जाता है तो आपको 24 घंटे तक इंतजार करना है, 24 घंटे के बाद में भी ठीक नहीं होता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, बाकी काफ़ी रेयर चांसेस रहते हैं 24 घंटे में आपका जो भी रहता है सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये बात आपकी हो चुकी है क्लियर। अब उसके बाद में बात करते हैं नीचे,
तो यहाँ पर देख सकते हो जिन छात्रों ने वर्ष 2022 की पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम में तो आवेदन किया है तथा जिनके पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है वे मुख्य परीक्षा 2023 हेतु अभी आवेदन नहीं करें। आवेदन करने की स्थिति में उन्हें परीक्षा शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे छात्रों को पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत 2023 की परीक्षा शुल्क आवेदन करने के लिए अवसर दिया जाएगा। यानी कि अगर बाई चांस आपने सप्लीमेंट्री फॉर्म भर दिया है, बाई चांस उसका रिजल्ट नहीं आया और आपका एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो आप अपना एग्जाम फोरम में अभी मत भरना, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तभी आपकी मार्कशीट कंप्लीट हो पाएगी। तो अभी अपना फोरम मत भरना। अगर बाय चांस कोई स्टूडेंट भर भी देता है तो आपका जो शुल्क रहता है, जो भी शुल्क रहेगा आपका जिस भी सब्जेक्ट के हिसाब से, वो आपको लौटाया नहीं जाएगा। ठीक है, उसकी डेट आपको अलग से दे दी जाएगी, तो आप पे थोड़ा पेशेंस रखना, जल्दबाजी किसी भी हालत में मत करना, नहीं नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। ठीक है, यह बात हो गई आपकी क्लियर। इसी के बाद में कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर RBC से उत्तीर्ण विद्यार्थी जो नामांकन आवेदन पत्र सहित परीक्षा फॉर्म जमा करवा रहे हैं वे अहंकारी यानी क्वालिफाइंग परीक्षा के मूल अंक तालिका डुप्लीकेट अंक तालिका जो कि बोर्ड द्वारा जारी की गई है जमा करावे। RBSE के अलावा अन्य बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE आदि से उत्तीर्ण विद्यार्थी अपने मूल अंक तालिका यानी ओरिजिनल मार्कशीट के साथ मूल माइग्रेशन प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। यानी कि जो CBSE बोर्ड के जो केंद्र बोर्ड के स्टूडेंट है उनको अपनी जो माइग्रेशन है वो भी आपको प्रमाण पत्र की भी आपको संलग्न करना है यानी साथ में देना है। बाकी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पर, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। ये जो नोटिस है मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, ये बात हो चुकी है आपकी क्लियर। इसके बाद में इसके अतिरिक्त कार्यालय समय में प्रातः 9 से 6 बजे तक आप किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं और एक ये नंबर दिया गया है, तो आप इनको इन पर एक तरह से कॉल करके कुछ भी डिटेल ले सकते हो, जैसे कि आपके पेमेंट से रिलेटेड हो गई, आपके फॉर्म से रिलेटेड हो गई, जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप यहाँ से ले सकते हो, जो कि मैं आपको हमेशा क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। कल आपको ये भी मैं बता दूंगा किस प्रकार से आप अपना जो एग्जाम फॉरम है वो भर सकते हो, अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा इस वीडियो पर। बाकी देखिए जो भी चीज़ें हैं वो मैंने छोटी छोटी क्लियर कर दी है। आपके कोई कमेंट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, या आपको मैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मिल जाऊंगा। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।